हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। शहादत को सलाम कार्यक्रम में शामिल होने जा रही बस दूसरी बस से भिड़ी, एक चालक की मौत, दो अन्य घायल। जोधपुर जिले के ओसिया तहसील के सिरमंडी गांव की सरहद में सोमवार रात दो बसों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में एक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जीत इंस्टीट्यूट की बस लेकर जा रहा था। इस बस को लेकर उसे सीमा पार कार्यक्रम शहादत को सलाम में शामिल होने जाना था, लेकिन किसी कारण से गाड़ी अपने घर की तरफ ले जाने लगा। सिर में गंभीर चोट लगने से वह मौके पर ही खत्म हो गया। ओसिया थानाधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि ओसिया तहसील के खाबड़ा हाल बालसमंद रोड जोधपुर निवासी कृष्णाराम पुत्र हजारीराम विश्नोई जीत इंस्टीट्यूट की बस चलाता था। सोमवार रात को उसे ये बस लेकर सीमा पार आयोजित कार्यक्रम शहादत को सलाम में लेकर जाना था, लेकिन उसने किसी कारण से गाड़ी को ओसिया के सिरमंडी की तरफ मोड़ लिया। संभवत वो घर जाने वाला था। जब वह सिरमंडी गांव की सरहद में गाड़ी लेकर पहुंचा, तब भीख मकौर की तरफ जा रही एक मिनी बस से उसकी गाड़ी की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कृष्णाराम के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ सामने वाली मिनी बस में सवार जोधपुर निवासी अशोक और जयसिंह घायल हो गए। सूचना पर ओसिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को ओसिया में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। उनकी हालत सामान्य है। दोनों बसों को मौके से हटाने के साथ थाने में रखवाया गया। इस बारे में पड़ताल जारी है। शव का मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।